أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جب خلیجی جنگ کا آغاز ہوا تو مغربی پروپیگنڈے کے اثر کے نیچے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ناٹسی جرمنی کا زمانہ لوٹ آیا ہے اور پھر ہٹلر اور گوبلز پیدا ہو چکے ہیں और उनको मिटाने के लिए चर्चिल और रूजवेल्ट और स्टालिन ने भी नए जन्म ले लिए हैं। इस ये तस्वीर इतनी भयानक थी कि सारी दुनिया इसको देखकर लर्जा बरंदाम थी। अब जबकि जंग खत्म हो चुकी है तो मंजर तो वही है लेकिन उसकी एक और तस्वीर उभरी है। हालात तो वही हैं, हकीकत में तो तब्दीली नहीं आई लेकिन हकीकत और तरह से दिखाई देने लगी है। मुझे तो इस जंग के इख्तिताम पर वो मशहूर स्पेनिश तंजिया मजाहिया किरदार याद आ गया जिसे डॉन क्विक्सॉट कहते हैं। कहा जाता है कि वो मस्खरा नाइट फर्जी जिन भूत और देव बना लेता था और बड़े बड़े नाइट्स अपने तसव्वुर में ही पैदा कर लिया करता था और फिर बहुत डपट कर उन पर हमलावर होता था। इसी किस्म की एक कहानी उसकी विंडमिल से लड़ाई की बयान की गई है। अगर उस कहानी को मौजूदा हालात पर चिस्पां करने के लिए कुछ तब्दीली की जाए तो यूं बनेगी कि डॉन क्विक्सॉट अपने जर्नैल सैंचो पेंजो के साथ अपने टट्टू और खच्चर गधे पर सवार कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक विंड मिल नजर आई यानी हवन चक्की। उस पर डॉन क्विक्सॉट ने अपने साथी को बताया कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और खौफनाक देव है और आओ और हम दोनों मिलकर इस पर हमला करते हैं। चुनांचे उन्होंने डपट कर ललकार कर उस पर हमला किया और तब्दीलशुदा कहानी फिर यूं बनेगी कि विंड मिल को बुरी तरह शिकस्त दी, उसके परखच्चे उड़ा दिए, उसको पारा पारा करके फिर उन्होंने फख्र से ऐलान करना शुरू कर दिया कि आज दुनिया के सबसे बड़े नाइट ने दुनिया के सबसे बड़े देव को शिकस्त फाश दे दी है। बस देखें, हकीकत वही रहती है, वक्त बदलने से मंजर कैसे तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह जाविया बदलने से भी मनाजिर तब्दील हो जाते हैं।
अगर अमेरिका के जाविये से इस सूरत हाल को देखा जाए तो यूं महसूस होगा कि जैसे शिकारी इस्तिलाह में हील करना कहा जाता है कि कुत्ते को अपनी एड़ी के पीछे लगा लेना, अमेरिका के जाविये निगाह से यह मंजर दिखाई देगा कि अमेरिका ने अंग्रेजों को भी हील कर लिया और फ्रांस को भी हील कर लिया और रूस को भी हील कर लिया और जर्मनी को भी हील कर लिया, गर्जी के बहुत से इत्तेहादियों को हील किया और उसके पीछे पीछे और गौले बयाबानी भी इकट्ठा हुआ और सब एक शिकार की लालच में इस हील करने वाले शिकारी के पीछे लग गए कि कब वो शिकार मारा जाए और अपनी अपनी तौफीक और रुतबे के मुताबिक उसके हिस्से बखरे करें और उसमें से कुछ अपने लिए हासिल कर सकें। ये जो लश्कर रवाना है शिकारियों का और उसके हील हुए साथियों का, इसके मुंह से कवैत 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 की आवाजें आ रही हैं और जो पीछे लगे हुए हैं वो अपने दाम तेज कर रहे हैं कि कब हमें कवैत के नाम पर इराक के शिकार का मौका मिलेगा। बहरहाल एक जाविया निगाह ये है, और अगर इसराइल के जाविया निगाह से देखा जाए तो इसराइल ये समझता होगा और हक बजानिब होगा ये समझने में कि उसने अमेरिका और उसके तमाम साथियों को हील कर लिया है और इसराइल के पीछे पीछे वो दीगर जंगली मखलूकात भी साथ चल रही हैं जिनको ये इल्म नहीं कि ये वो शिकारी है जो रफ्ता रफ्ता पलट पलट कर एक एक हील हुए हुए जानवर का शिकार करेगा और फिर सब मिलकर उसका गोश्त उड़ाएंगे। तो एक ये भी जाविया निगाह है, हालांकि हकीकत वही रहती है, जिस तरह चाहें इसकी ताबीर कर लें। ये फैसला तो बहरहाल आने वाला वक्त करेगा कि किसने किसको हील किया है। आवाजों के लिहाज से भी दिमाग अजीब अजीब करिश्मे दिखाता है, एक ही आवाज के मुख्तलिफ माने लिए जाते हैं। एक आवाज दुनिया ये सुन रही है कि इराक के जोड़ जोड़ तोड़ने का इरादा इसलिए है कि कभी भी इराक आइंदा कवैत पर हमला करने की जरूरत न करे। वह सारे मकसूद कायनात सारा मकसूद कायनात कवैत है और हर दूसरे मुल्क पर हर दूसरे मुल्क को हमले करने की खुली छुट्टी है, लेकिन कवैत पर किसी को हमला करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बस कवैत कवैत की आवाजों का एक ये मतलब है जो दुनिया को सुनाई दे रहा है। अगर इसी आवाज को इसराइल के कानों से सुना जाए तो वहां ये आवाज सुनाई देगी कि इराक के इसलिए टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं और इसलिए इसका जोड़ जोड़ तोड़ा जा रहा है कि ये कभी इसराइल पर हमला करने का ख्वाब भी न देख सके। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया में कोई मुल्क भी कभी इसराइल को टेढ़ी नजर से देखने की जरूरत न करे। तो देखिए आवाज वही है लेकिन मुख्तलिफ कानों में मुख्तलिफ शक्लों पर पड़ रही है और मुख्तलिफ दिमाग इसकी मुख्तलिफ ताबीरें कर रहे हैं। एक और पहलू ये काबिल जिक्र है कि शाइस्तगी और तहजीब और नरमी और प्यार सिर्फ इंसानों का हिस्सा नहीं बल्कि गोश्तखोर जानवर भी एक तहजीब रखते हैं, एक नरमी और प्यार रखते हैं। जब तक वो शिकार पर न झपटें या जब तक किसी दुश्मन का मुकाबला न करें, उनके पांव के तलवे गुदाज और नरम होते हैं और मखमल की तरह होते हैं। उनके जबड़े नरम नरम होठों के पीछे छुपे हुए होते हैं, उनके दांत नरम नरम होठों के पीछे छुपे हुए होते हैं और वो आपस में मोहब्बत और प्यार से रहते हैं, बल्कि दूसरे जानवरों को भी बुरी नजर से नहीं देखते। लेकिन वो वक्त जब शिकार का वक्त आता है, वो वक्त जब दुश्मन पर झपटने का वक्त आता है,
उन्हीं नरम नरम मखमली पांवों से खौफनाक पंजे नमूदार हो जाते हैं और उन्हीं नरम होठों के पीछे से वो हौलनाक कुचलियां निकल आती हैं जो किसी जानवर पर रहम नहीं जानती। बस इस सूरत हाल का भी जायजा लेना चाहिए कि वो कौन से वक्त होते हैं जब इंसान पहचाने जाते हैं। एक उर्दू शायर ने बहुत अच्छी बात कही जब ये कहा कि एक जरा सी बात पर बरसों के यार आने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। मगर मगरबी दुनिया के अरब दोस्तों के मुतल्लिक हसरत से यह कहना पड़ता है कि जरा सी बात तो दरकिनार, आलम इस्लाम पर कयामत भी टूट पड़े तो इनके बरसों के याराने नहीं जाते और इनसे दोस्त पहचाने नहीं जाते। ये है खुलासा इस पस मंजर का जिसकी रोशनी में मैं आपके सामने कुछ दूसरे अमूर रखना चाहता हूं जिनका ज्यादातर ताल्लुक मुख्तलिफ कौमों को मशवरे देने से है। कदीम से ला मजहब सियासत के तीन उसूल रहे हैं जो मशरिक और मगरिब में बराबर हैं, मुश्तरक हैं। ये नहीं कह सकते कि मगरबी सियासत के उसूल हैं या मशरकी सियासत के उसूल हैं, कल के हैं या आज के, हमेशा से यही उसूल चले आ रहे हैं। यानी अगर सियासत ला मजहब और बेदीन हो तो पहला उसूल यह है कि कौम, वतन या गुरोह का मफाद जब भी अदल के मफाद से टकराए तो कौम और गुरोह और वतन के मफाद को अदल के मफाद पर लाजिमन तरजीह दो और फौकियत दो, खा अदल को इसके नतीजे में पारा पारा करना पड़े। कुरान करीम का असूल, उसूल सियासत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और बरक्स है, जो ये है वला यजरमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्लाह तादिलू एदिलू हो अकरबुल तक्वा। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी सियासत और तरह तरह की सियासत है, ये इलाही फरमान के ताबे सियासत है और इसका बुनियादी अटल उसूल यह है कि किसी कौम की शदीद दुश्मनी भी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि उससे नाइंसाफी का सलूक करो, हमेशा अदल पर कायम रहो क्योंकि अदल तकवा के करीब तर है। दूसरा असूल सियासत यानी बेदीन सियासत का असूल यह है कि अगर ताकत हो तो मफादात को ताकत के जोर से जरूर हासिल करो, क्योंकि राइट इज माइट, माइट इज राइट, क्योंकि ताकत ही सदाकत है और इसके सिवा दुनिया में सदाकत की और कोई तारीफ नहीं। कुरान करीम इसके बरक्स एक मुख्तलिफ उसूल पेश फरमाता है जो ये है ले यहले का मन हला का अम बैना व यहया मन हय्याम बैना, यानी वही हलाक किया जाए जिसकी हलाकत पर खुली खुली सदाकत गवाह हो और वही जिंदा रखा जाए जिसके हक में खुली खुली सदाकत गवाही दे। बस इस्लाम का उसूल माइट इज राइट के बिल्कुल बरक्स राइट इज माइट बनता है। तीसरा असूल जो लादिनी सियासत का बुनियादी हिस्सा है वो ये है कि मकसद के हसूल के लिए बेदरेग झूठा प्रोपेगेंडा करो, ये ना सिर्फ जायज है बल्कि जितना ज्यादा फरेब और मुलम्मा कारी से काम लिया जाए उतना ही ज्यादा बेहतर और कौम के मफाद में है। बस दुश्मन को सिर्फ मैदान जंग में शिकस्त न दो बल्कि झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए उसको नजरियात और असूलों की दुनिया में भी शिकस्त खुर्दा बना के दिखाओ। अजल से जब से सियासत का तारीख में जिक्र मिलता है
यही तीनों उसूल हमेशा हर जगह कार फरमा दिखाई देंगे, सिवाय उन इस्तिस्नाई अदवार के जब सियासत बाद शुरफा के हाथ में चली गई हो, जो दीनी और अखलाकी अकदार की कदर करते हों, या जब मजहब की दुनिया में खुदा ताला ने दुनियावी ताकत भी अता कर दी हो। कुरान करीम इस असूल के बिल्कुल बरक्स ये असूल पेश फरमाता है, फजतनबू रिस्सा मिनल औथान वजतनबू कौल जूर। फिर दूसरी जगह फरमाया, व इज़ा कुल्तुम फादिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा, के लफ्जों की लड़ाई में भी, लफ्जों के जहाद में भी तुमने सच्चाई का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। सच्चाई का दामन हाथ से छोड़ना और झूठ को कबूल करना ये शिर्क की तरह नापाक और नजस है। फरमाया, वाइज़ा कुल्तुम फादिलु, बात भी करो तो अदल के साथ करो, वलौ कान ज़ा क़ुर्बा, खा तुम्हारी बात का नुकसान तुम्हारे करीबी को पहुंचता हो, इसकी कुछ परवाह न करो। आज की इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि खुदा और दीन मोहम्मद के नाम पर जहाद का ऐलान करते हैं, लेकिन सियासत की तीनों शरायत लादीनी सियासत से अखज़ कर ली हैं और कुरान करीम की इस गालिब सियासत को छोड़ दिया है। यही वजह है कि इस दौर में अब तक जितनी दफा मुसलमान अपने और इस्लाम के दुश्मनों से टकराए हैं, इल्ला माशाल्लाह मामूली इत्तेफाक के सिवा हर दफा नहायत ही जिल्लतनाक और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हालांकि कुरान करीम में खुदा ताला का ये खुला खुला बल्कि अटल वादा था कि इन्नल्लाह अला नसरहिम लगदीर, कि खबरदार मेरी खातिर मेरे नाम पर जहाद के निकलने वालों सुनो, तुम कमजोर हो मगर मैं कमजोर नहीं हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं और यह वादा अटल है, इन्नल्लाह अला नसरहिम लकदीर, इन कमजोर और दुनिया की नजर में नहायत हकीर लोगों को जो खुदा की खातिर जहाद पर निकले हैं जरूर खुदा की नुसरत अता होगी और इनको अपने गैरों पर गालिब किया जाएगा। यह सवाल आज मुसलमान जहन को झंझोड़ रहा है और इसीलिए मैंने इसको बहुत अहमियत दी है ताकि मशरिक से मगरिब तक के दुखे हुए मुसलमान दिलों को समझाऊं, यह शिकस्त इस्लाम की शिकस्त नहीं है बल्कि यह शिकस्त उन मुसलमानों की है जिन्होंने इस्लाम के उसूलों को शिकस्त देकर यानी तर्क करके शिकस्त खुर्दा उसूलों को अपना लिया। बस ये जंग हक और बातिल की जंग नहीं रही, ये ताकत और कमजोरी की जंग बन गई, ना खुदा इस तरफ रहा ना खुदा उस तरफ रहा। और जब ताकत और कमजोरी की जंग बन जाए तो ताकत लाजमन जीतती है और इसी का मतलब है माइट इज राइट। बस इस वाकया में यानी खलीज के दर्दनाक जंग के वाकया में हमारे लिए बहुत गहरे सबक हैं और सबसे बड़ा सबक यह है कि मुसलमानों को अपने आला पायदार और नाकाबले तस्खीर उसूलों की तरफ लाजिमन लौटना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके हक में यह वादा पूरा नहीं होगा कि अर्ज के ऊपर खुदा के पाक बंदों की हुकूमत लिखी जा चुकी है। अल अर्ज यानी फलस्तीन की जमीन हो या सारी दुनिया मुराद हो, जब तक इबादुस सालिहीन पैदा नहीं होते और कुरान करीम के पाकीजा हमेशा जिंदा रहने वाले हमेशा गालिब आने वाले उसूलों पर अमल नहीं करते, उस वक्त तक उनके मुकद्दर में कोई दुनियावी फतह भी नहीं लिखी जाएगी। बस मुसलमानों के दिलों पर जो जुल्म पर जुल्म की आरी चलाई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि गोया हक इत्तेहादियों के साथ था और हक को झूठ और बातिल पर फतह हुई है, यह हरगिज दुरुस्त नहीं। इस ज़मन में एक और बात आपके इल्म में आनी चाहिए,
कि एक अमेरिकन जर्नैल बार बार ये कहते रहे कि हम सारे सफेद टोपियों वाले हैं और इराक और इराक के साथ ही सारे काली टोपियों वाले। एक जाहिलाना मगरबी नावलों का तसव्वुर है कि जो इनके लड़ाका पिस्तौल के माहिर अच्छे हों वो सफेद टोपियां पहना करते हैं और जो बदमाश उनके मुकाबल पर हों जिन पर वो गालिब आते हैं वो काली टोपियां पहनते हैं। अमरे वाकया ये है कि ये सफेद और काले की जंग नहीं थी। इस दावे को साबित करने के लिए ये कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन इतना जालिम और सफाक है कि इसने कुर्दों को गैस का अजाब देकर मारा और फिर कुर्दों के गांव बमबारी के जरिए मिलियमेट कर दिए। अगर ये बात दुरुस्त है और गालिबन दुरुस्त है तो ये एक ऐसा भयानक जुर्म है जिसके लिए जो जुर्म करने वाला है वो खुदा के हजूर जवाबदेह होगा और तारीख के सामने भी जवाबदेह होगा। मगर ये सारी तस्वीर नहीं है। देखना यह है कि यह जुर्म सद्दाम हुसैन को किन कौमों ने सिखाया था और कैसे सिखाया था। 1920 की बात है कि अंग्रेजों की यह पॉलिसी थी कि कुर्दों को इराकियों के का गुलाम बना दिया जाए। जब कुर्दों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की तो 1920 में सबसे पहले बरतानिया की हुकूमत ने निहत्ते और कमजोर कुर्दों पर गैस बरसाई, गैस के बम बरसाए और नहायत दर्दनाक तरीक पर हजारहा का कत्लेआम किया। उसके बाद मुसलसल अंग्रेजों ने कुर्दों को इराक का गुलाम बनाने की खातिर साल हा साल तक उन गरीबों के गांव देहात पर बमबारी की। चुनाचे उस बमबारी का ऐसा असर उस जमाने के उन लड़ने वालों पर भी पड़ा जिनके जरिए बमबारी की जा रही थी कि एक बरतानवी एयरफोर्स के बहुत बड़े अफसर ने इस एहतजाज के तौर पर इस्तीफा दे दिया। 1922 की बात है कि ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा खौफनाक जुल्म तोड़ा जा रहा है कुर्दों पर कि मेरी हद बर्दाश्त से बाहर है। फिर ये कहा जाता है कि ईरान में भी सदर सद्दाम ने इन्हीं जरायम का इर्तकाब किया और कसरत के साथ ईरानियों को गैस का अजाब देकर मारा और उनकी शहरी आबादियों पर बमबारी की। अमरे वाकया ये है कि इस दौर में भी गैस बनाने के सामान मगरिब ने इनको मुहैया किए और दूर मार तोपें भी मगरिब ने मुहैया की और सबसे ज्यादा माली इमदाद करने वाले सऊदी अरब और कुवैती थे और अमेरिका मुसलसल इनकी हमायत में खड़ा रहा है। बस ये दुरुस्त है कि सद्दाम ने इंसानियत के खिलाफ जो जरायम किए हैं वो उनके लिए जवाबदेह है, मगर ये दुरुस्त नहीं कि सिर्फ सद्दाम ही ने ये जरायम किए हैं, और भी बहुत से जुर्म करने वाले हैं और वो इत्तेहादी जो इस वक्त पाकबाज और मासूम बनाकर पेश किए जा रहे हैं उनके अंदर बड़े बड़े जालिम और सफाक मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा जब उनको जरूरत पेश आई जुर्म की हमायत की और सफाकी का दिल बढ़ाया। बस ये जंग सच और झूठ की जंग नहीं है। मुसलमान नौजवान खसूसियत से सख्त दिल शिकस्ता हैं और जो इतलाएं मुझे दुनिया से मिल रही हैं बाद नौजवान बच्चों और औरतों लड़कियों वगैरह का ये हाल है कि उन जुल्मों को देख देख कर जो इराक पर तोड़े जा रहे हैं रो रो कर उन्होंने अपनी जिंदगी अजीर्ण बना रखी है। खुद इंग्लिस्तान में ही बाज बच्चे और बाज बच्चियां मुझे मिलने आए, दर्द की शिद्दत से उनसे बात नहीं होती थी, बात कर करते हिचकियां बन गई कि हमें बताएं क्या हो रहा है।
क्यों हमारा खुदा इनकी मदद को नहीं आ रहा, उनको मैं समझाना चाहता हूं कि अव्वल तो ये कि जब खुद खुदा के बंदे तौहीद का दामन हाथ से छोड़ दें और इस्लाम के पाकीजा उसूलों को अपनाने की बजाय दुश्मनों के नापाक उसूलों को अपना लें, तो खुदा न इधर रहता है न उधर रहता है और यह हक व बातिल की जंग नहीं रहती। दूसरे ये कि जहां तक दुनियावी जंगों का ताल्लुक भी है, इस शिकस्त के साथ वक्त ठहर तो नहीं गया, तारीख तो जारी हो सारी है, अभी चंद दिन गुजरे हैं, तारीख अदलती बदलती रहती, अपने रुख अदलती बदलती रहती है, वक्त पलट जाते हैं और आज कुछ है तो कल कुछ हो जाता है। बाज़ कौमों ने सैकड़ों साल तक जबरो इस्तबदाद की हालत में जिंदगी गुजारी और फिर खुदा ने उनको अपने दुश्मनों को फतह अता फरमाई। तो खुदा के वक्त के मुताबिक सोच पैदा करें, अपने वक्त के मुताबिक उजरत से काम न लें। दुनिया की तारीख जारी और सारी एक सिलसिला है जो हमेशा एक हाल पर कायम नहीं रहा करता। आपकी दिल की तसल्ली के लिए मैं आपको तारीख में कुछ पीछे ले जाता हूं। 1919 में जो कुछ यूरोप में हो रहा था उसकी याद आपको दिलाता हूं। ये वो साल है जबकि जीती हुई इत्तेहादी ताकतें जर्मनों की तकदीर का फैसला करने के लिए वर्साय में इकट्ठी हुई थी। वो साल इंग्लिस्तान के इलेक्शन का साल भी था। लॉयड जॉर्ज वजीर आजम ने यहां से रवाना होने से पहले ये बयान दिया कि मैं जर्मन निम्बू को इस सख्ती से निचोड़ूंगा कि उसके बीजों से चरचराने की आवाज आए और हाय हाय की सदाएं उठने लगे। इस इरादे के साथ ये वर्साय के लिए रवाना हुए। मुबस्सिर लिखता है कि वर्साय पहुंचकर जब इन्होंने फ्रांसीसी नुमाइंदों के इंतकामी इरादों पर इतला पाई तो वो समझे कि मेरे इरादे तो उनके मुकाबले पर बख्शिश और हिल्म का नमूना थे। फ्रांसीसी नुमाइंदों में ऐसी खौफनाक इंतकामी कार्रवाइयों के जज्बात थे कि गोया हर जर्मन को मिलियमेट करने का फैसला था। बहरहाल आपस में इफाम तफीम के जरिए कुछ ऐसे फैसले किए गए जिनके नतीजे में इस बात को लाजमी बना दिया गया कि आइंदा कभी जर्मन कौम किसी और कौम के खिलाफ हथियार न उठा सके। वही तस्वीर है जो आज इराक की सूरत में इनके इरादों की शक्ल में आपको दिखाई देती है। लेकिन कुछ अरसे के बाद इस बात को मजीद यकीनी बनाने के लिए 1928 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और फ्रांस के वजीर आजम ने मिलकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम मिस्टर कैलॉग था, फ्रैंक कैलॉग, उन्होंने यूरोप में 15 मगरबी ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसका उन्वान यह था कि जंग को आउटलॉ कर दिया जाए, यानी ऐसा मफरूर मुजरिम करार दे दिया जाए जिसके कत्ल का सबको हक है। अमलन ये ऐलान था कि हम अब जंग को हमेशा के लिए दफना देंगे। 15 मुल्कों के नुमाइंदे इकट्ठे थे जिस हाल में यह तकरीब मुनक़िद हुई। वहां जब सबसे पहले जर्मन नुमाइंदा अपने सुनहरी कलम लेकर दस्तखत करने लगा तो सारा हाल तालियों की गूंज से दरजने लगा। किसे खबर थी कि उसके कुछ ही अरसे के बाद, यानी 1928 को 11 साल बमुश्किल गुजरेंगे कि वही मुर्दा दोबारा जिंदा हो जाएगा और एक मुल्क के एक बर्रे आजम को ताख्त व ताराज नहीं करेगा बल्कि उसकी हैबत से मशरिक से मगरिब तक कौमों के ईमान लरजने लगेंगे और बमों के धमाकों से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देगी। बस देखो आनन फानन, यानी तारीख के नुक्ते नगाह से
चंद साल आनंद फानंद की बात हुआ करती है। आनंद फानंद कैसे मनाजिर बदल गए। खुदा जिंदा है और हमेशा रहने वाला है। इंसानी नस्लें आती हैं और गुजर जाया करती हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम तारीख के इन इत्तेफाकात पर भरोसा करो। मैं ये कहता हूं कि तारीख के इस अदलने बदलने के मजमून को पेश नजर रखो और मायूस ना हो, लेकिन भरोसा खुदा पर करो रखो जो दायमी है और जिस पर दुनिया की कोई ताकत गालिब नहीं आ सकती। वो हर दुनिया की और हर कायनात की ताकत को मगलूब कर सकता है। उसके हाथ में इन ताकतों की कोई भी हैसियत नहीं। बस अगर तुम मजलूम और मजबूर हो और दर्द से कराह रहे हो, तो इस दर्द को दुआओं में खुदा के हजूर पेश करो। मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी हर शिकस्त इस तरीक पर फतह में तब्दील हो जाएगी। मैं इत्तेहादी फौजों को भी ये मशवरा देता हूं और इत्तेहादी मुल्कों के सरबराहों को यह मशवरा देता हूं कि अगर आपको बनी नौ इंसान की भलाई मकसूद है, अगर वाकई आप दायमी अमन चाहते हैं, तो आपकी सियासत के असूल तो बार बार पीटे जा चुके हैं और पिट चुके हैं और कभी भी दुनिया में अमन कायम करने में कामयाब नहीं हो सके। इसलिए खुदा के लिए अब तो इबरत हासिल करो और इस्लाम के उन सियासत के उसूलों को अपनाओ जो तकवा के साथ वाबस्तगी रखते हैं, जिनकी जड़ें तकवा में हैं, जो तकवा के पानी से पलते हैं और तकवा की ताकत से नश्वनुमा पाते हैं। अगर तुम इस्लाम के उन तीन उसूलों को अपना लो जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, तो यही एक जरिया है कि जिससे दुनिया को दायमी अमन की जमानत दी जा सकती है। अगर ऐसा ना करोगे तो जबर इस्तबदाद की ताकतें, खा मगरबी हों या मशरकी, नागासाकी और हिरोशिमा सीमा पर एटम बम गिराने वाला अमरीका हो या इंडोनेशिया में बर्बरियत की नई हैरत अंगेज मिसालें और नहायत दर्दनाक मिसालें कायम करने वाला जापान हो, मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर उनकी नीयतें वही रही जो हमेशा से सियासतदान की नीयतें चली आई हैं और अखलाक की बजाय खुदगर्जी पर उनकी बिना हुई, तो कभी दुनिया को अमनता नहीं कर सकते। दुनिया की ताकतवर कौमों के लिए जरूरी है कि पहले अपनी नीयतों के जंगलों में छुपे हुए भेड़ियों को अलग करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सद्दाम की एलाइट फोर्स को तबाह करने से दुनिया में अमन खान की जमानत नहीं हो सकती। तमाम इराक के टुकड़े टुकड़े भी कर दें, तब भी दुनिया में कोई अमन की जमानत नहीं हो सकती। इंसान के को हलाक करने के लिए उसकी नीयतों में भेड़िए छुपे हुए हैं। जब तक नीयतों में पोशीदा भेड़ियों को इंसान हलाक नहीं करता और अदल पर कायम होने के अहद नहीं करता, उस वक्त तक दुनिया को हरगिज अदल की कोई इंसान अमन की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन यहां एक बहुत ही अहम सवाल उठता है कि जब तक कुरान का पेश करदा निजाम अदल इस्लामी दुनिया खुद कबूल न करे और अपने अपने मुल्कों में इस्लाम का निजाम अदल जारी करके न दिखाए और अपने नजरियात को आदलाना न बनाए, उस वक्त तक वो दुनिया को कैसे इस्लाम के अदल की तरफ बुला सकती है। ये नामुमकिन है। जब तक आलम इस्लाम खुद अदल पर कायम नहीं होता, यानी कुरान के तसव्वुर अदल पर कायम नहीं होता, ना वो दुनिया को अमन अदल अता कर सकता है आलम इस्लाम, ना दुनिया से अमन की तवक्को रख सकता है। इस ज़मन में हम देखते हैं कि आलम इस्लाम में नहायत ही खौफनाक ऐसी बातें राइज हैं जो
इस्लाम के साथ बेवफाई का हुक्म रखती हैं और बजाय इसके कि इस्लाम की आदिलाना तालीम को समझें और कबूल करें, वो इस्लाम को दुनिया के सामने एक ऐसे मजहब के तौर पर पेश किया जा रहा है जिसका अदल के साथ कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं। इसमें सबसे बड़ा कसूर मुल्ला और सियासतदान का है। इन दोनों की गठजोड़ के नतीजे में इस्लाम के निजाम अदल को तबाह किया जा रहा है। तीन ऐसे नजरियात इस्लाम की तरफ मंसूब करके पेश किए जा रहे हैं जिनके नतीजे में बैरूनी दुनिया में इस्लाम की तस्वीर जालिमाना तौर पर मस्ख होकर पेश हो रही है और हर इस्लामी मुल्क से भी अमन उठता चला जा रहा है। पहला नजरिया यह पेश किया जाता है कि तलवार का इस्तेमाल नजरियात की तशहीर में ना सिर्फ जायज बल्कि जरूरी है और तलवार के जोर से नजरियात को तब्दील कर देने का नाम इस्लामी जहाद है। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि यह हक सिर्फ मुसलमानों को है, ईसाइयों या यहूद या हिंदुओं या बुद्धों को यह हक नहीं कि वो किसी मुसलमान के नजरिए को बज़ोर तब्दील करें, लेकिन खुदा ने यह हक सारे का सारा मुसलमानों के सुपुर्द कर रखा है। कैसा गैर आदिलाना, कैसा जाहिलाना तसव्वुर है, लेकिन इसे इस्लाम के नाम पर सारी दुनिया में फैलाया जा रहा है। फिर दूसरा जूज इसका यह है कि अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए तो किसी का हक नहीं कि उसे मौत की सजा दे। तमाम दुनिया में जहां कोई चाहे अपने दीन को छोड़ छोड़कर इस्लाम में दाखिल होता रहे, दुनिया के किसी मजहब के मानने वालों को हक नहीं कि उसे मौत की सजा दे। लेकिन अगर कोई मुसलमान दूसरा मजहब इख्तियार कर ले तो दुनिया के हर मुसलमान का हक है कि उसकी गर्दन उड़ा दे। यह दूसरा इस्लाम का मुनसिफाना असूल है जो इस्लाम के अलमबरदार खुदा और कुरान के नाम पर दुनिया के सामने पेश करते हैं। तीसरा असूल यह है कि मुसलमान हुकूमतों का फर्ज है कि शरीयत इस्लामिया को जबरदस्ती उन शहरियों पर भी नाफिज करें जो इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, लेकिन दूसरे मजाहिब को यह हक नहीं कि वो अपनी अपनी शरीयत मुसलमानों पर नाफिज करें। चुनाचे इस नजरिए अदल की रूह से यहूद को भी यह हक नहीं कि मुसलमानों से तालमूद में बयान करदा सलूक करें और हनूद को भी यह हक नहीं कि मुसलमानों से मनुस्मृति में बयान करदा उसूलों के मुताबिक सलूक करें। बस ये तीसरा तसव्वुर अदल है। ये सिर्फ तीन मिसालें हैं लेकिन हकीकत में आप मजीद जायजा लें तो बहुत से और अमूर भी ऐसे हैं जिनमें आज के मौलवी का पेश करदा तसव्वुर इस्लाम कुरान करीम के वाजे और बैयन उसूल अदल से मुतसादिम है और उसे रद्द करने के मुतरादिफ है। आज दुनिया में इस्लाम के खिलाफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार यही वो तीन उसूल हैं जिनकी फैक्ट्रियां मुसलमान मुल्कों में लगाई गई। यहूद सबसे ज्यादा कामयाबी के साथ इन तीन इस्लामी उसूलों को, यानी नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक इस्लामी उसूलों को, मौलवियों के बनाए हुए इस्लामी उसूलों को कहना चाहिए, मगरबी दुनिया में और दूसरी दुनिया में पेश करते हैं और कहते हैं कि इन लोगों से तुम्हें किस तरह अमन नसीब हो सकता है, इन लोगों से हमें किस तरह अमन नसीब हो सकता है जिनका इंसाफ का तसव्वुर और अदल का तसव्वुर ही पागलों वाला तसव्वुर है जिसके अंदर कोई अकल का शायबा भी बाकी नहीं, शायबा भी दिखाई नहीं देता। मुसलमानों के लिए और हकूक, गैरों के लिए और हकूक, मुसलमानों के लिए और हकूक, गैरों के लिए और हकूक, सारे हकूक दुनिया में राज करने के मुसलमानों को और सब गैर हर दूसरे हक से महरूम,
अगर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये कुरानी असूल है तो लाजिमन सारी दुनिया इस असूल से मुतनफ़िर होगी और मुसलमानों को अमन आलम के लिए शदीद खतरा महसूस करेगी। बस सिर्फ ये काफी नहीं कि गैरों से उन ज्यादतियों के शिकवे किए जाएं जो मुसलमानों पर की जाती हैं, अपने पर भी नजर डालनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये ज्यादतियां क्यों हो रही हैं और शातिर दुश्मन किस तरह मुसलमानों के खिलाफ खुद मुसलमानों के बनाए हुए हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है। बस अमरे वाकया यही है कि इस्लामी ममालिक में इस्लाम की तरफ मंसूब होने वाले नहायत मोहलिक हथियारों की फैक्ट्रियां बन लगी हुई हैं और मुल्ला इन कारखानों को चला रहे हैं और भारी तादाद में दुश्मन ममालिक में ये दिसावर को भेजे जाते हैं और इनकी बरामद होती है और फिर यही हथियार आलम इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि मुसलमान सियासतदानों का भी इसमें बहुत बड़ा कसूर है, उन्होंने खुद इस्लाम को समझने की कोशिश ही नहीं की, मुल्ला के सपुर्द कर बैठे और यकीन कर लिया कि मुल्ला इस्लाम की जो भी तस्वीर पेश कर रहे हैं वही दुरुस्त है, लेकिन उनके जमीर ने और उनकी रोशन ख्याली ने इस तस्वीर को रद्द किया है, लेकिन ये जरूरत नहीं रखते कि इन नजरियात को इस्लामी समझते हुए भी इनकी मुखालफत कर सकें। बस इस नफ्सियाती उलझन ने तमाम इस्लामी सियासत को मरीज बना रखा है, दोगला और मुनाफिक बना दिया है, अपने अवाम उन मुल्लानों के सुपुर्द कर दिए हैं जो अजमन वस्ती की सोच रखते हैं और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन जमाने से रोशनी हासिल नहीं करते। इसलिए जब उन्होंने अपने अवाम को ही उनके हाथ में दे दिया तो उनकी ताकत से डरकर वो खुलम खुला ये कहने की जरूरत नहीं रखते कि ये असूल गलत है, क्योंकि वो खुद भी उनको नाउज बिल्ला इस्लामी असूल समझ रहे हैं। बस अब वक्त है कि हुकूमतें होश करें और आलम इस्लाम जो दो नीम हुआ पड़ा है, सियासत की दुनिया अलग है और मजहबी सोच की दुनिया अलग है और इन दोनों के दरमियान तसादुम है, ये दूसरा खतरनाक पहलू है जिसके नतीजे में आलम इस्लाम को खुद अपनी तरफ से भी खतरा है और इस खतरे की बीखनी जरूरी है बल्कि फौरी है, वरना एक नए जहान का निजाम नौ बनाने में मुसलमान कोई किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। बस जरूरी है कि मुसलमान हुकूमतें वाशिगाफ अल्फाज में ऐलान करें कि कुरान के निजाम अदल से टकराने वाला कोई नजरिया इस्लामी नहीं कहला सकता, इससे बड़ी और किसी दलील की जरूरत नहीं है। बार बार उलमा को चैलेंज करें कि आओ और इस मैदान में हमसे मुकाबला करो, हम ऐलान करते हैं कि कुरान करीम का निजाम अदल वाजे और बैयन और गैर मुबहम है और आलमी है, कौमी नहीं है। अगर आलमी ना हो तो निजाम अदल कहला ही नहीं सकता, बैनुल अक़वामी है, एब्सोल्यूट है। पहले इस बात पर बहस करो कि यह है कि नहीं, और अगर है तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि कुरान करीम के निजाम अदल से टकराने वाला हर नजरिया गैर इस्लामी है। दूसरे इस ऐलान की जरूरत है कि हर वो शख्स जो कुरान करीम की तरफ गैर आदिलाना नजरिया मंसूब करेगा वो कलाम इलाही की गुस्ताखी का मुर्तकिब शुमार होगा। और साथ ही ये ऐलान किया जाए कि हर वो शख्स जो हदीस रसूल की तरफ कुरान करीम के खिलाफ नजरियात मंसूब करने की कोशिश करे वो कलाम रसूल की गुस्ताखी का मुर्तकिब शुमार किया जाएगा। ये एक ही लाह अमल है जो आलम इस्लामी के अंदरूनी तजादात को दूर कर सकता है। अगर आज किसी सियासतदान के दिमाग में रोशनी है और वो तकवा रखता है और इंसाफ का दामन पकड़े हुए है, अगर आज उसमें ये जुर्रत है कि हक बात कर सके और हक तरीक पर कर सके, अगर आज वो अपनी कौम और आलम इस्लाम से मोहब्बत रखता है
तो उसके लिए जरूरी है कि पहले इस मैदान में इस्लाम के हक में जहाद का आगाज करे, वरना यह मैदान न जीता गया तो और कोई मैदान नहीं जीता जाएगा। अगरचे एक गुना मुनाफ़क़त के जरिए मसाइल टल रहे हैं, लेकिन बला हमेशा के लिए सर से उतर नहीं गई। आलम इस्लाम में हम ये वाकया बार बार होते हुए देखते हैं कि जब भी आलम इस्लाम को कोई खतरा कहीं से दरपेश हो, वहीं मुलायत को फरूग मिलने लगता है और मुलायत दिमागों में ज्यादा से ज्यादा नफूज करने लगती है। और उस वक्त एक इंतहा पसंद इनकलाब के खतरात सर पर मंडलाने लगते हैं और ये सिलसिला जारी है और बढ़ता चला जा रहा है। अगर हिकमत के साथ बर वक्त इसका इंसदाद ना किया गया और अवाम में और सियासत की सोच अवाम की सोच में और सियासत की सोच में मजहबी और सियासी नुक्ते निगाह से यकजहती पैदा ना की गई तो इस्लामी ममालिक हमेशा कमजोर रहेंगे और हमेशा अंदरूनी खतरात की वजह से ये जलजलों में मुब्तला रहेंगे और कभी इनको इस्तेकाम नसीब नहीं हो सकता। इसलिए दो टोक फैसलों की जरूरत है और आज इन फैसलों की जरूरत है, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और मजीद हम से रहम का सलूक नहीं करेगा। रहम का सलूक कितनी दफा हमें सजा दे चुका है, कितनी दफा दुनिया में जलील और रुसवा कर चुका है। अगर आज नहीं उठोगे तो फिर कभी नहीं उठ सकोगे। इसलिए उठो और ये फैसले करो और खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये फैसले करो कि हक के लिए हक नाम की तलवार उठाओगे और वो नजरियाती जहाद शुरू करोगे जिसकी कुरान करीम न सिर्फ इजाजत देता है बल्कि तुम पर उस जहाद को वाजिब कर रहा है। यही वो खतरात हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, जिनकी वजह से किसी इस्लामी मुल्क में हकीकी जमहूरियत आ ही नहीं सकती। अगर जमहूर की बात करें तो जमहूर की तालीम और तरबियत का कोई मौसर इंतजाम नहीं है, ना सियासी सोच में उनको शामिल किया जाता है, ना मजहबी सोच में उनको शामिल किया जाता है, बल्कि हुक्मरान तबका उनके नाम पर वोट लेकर उबर कर एक नया तशख्स हासिल कर लेता है। बस ऐसे मुल्क जहां हुक्मरान तबके और अवामुन नास में सोच और मजहबी ख्यालात की हमाहंगी ना हो, वहां अगर जमहूरियत आ भी जाए तो वो आमिर पैदा कर सकती है, जमहूरी हुक्मरान पैदा नहीं कर सकती। और दुनिया में बसा औकात ऐसे होता है कि जमहूरी अमल के जरिए आमिर पैदा होते हैं। और इससे ज्यादा खतरा यह है कि चूंकि मुसलमान हुक्मरानों को हमेशा यह खतरा दामनगीर रहता है कि मुलायत हमारे अवाम को कहीं इस हद तक इस्लाम के नाम से हमारे खिलाफ न कर दे कि हमारे खिलाफ किसी किस्म का इनकलाब पैदा होना शुरू हो जाए, इनकलाब बरपा हो जाए। इस खतरे के पेश नजर वो जरूर आमिर बनना शुरू हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा जबर को अख्तियार करने लगते हैं। और चूंकि जिन पर जुल्म किया जाता है वो अवाम की नजर में इस्लाम के सच्चे हमदर्द होते हैं, इसलिए दिन ब दिन उलमा के हक में और सियासतदानों के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। बस ये एक मसला नहीं, इस मसले की कई शाखें हैं और इन सब मसाइल का एक ही इलाज है जो मैंने बयान किया है कि कुरान के अदल के निजाम को इस तरह मजबूती से पकड़ लें जैसे उर्वा वुस्ता पर हाथ डाल दिया जाता है, जिसके लिए फिर टूटना मुकद्दर ना हो। यही वो खुदा की रस्सी है, अदल की रस्सी, जिसे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकवाम आलम में अमन पैदा करने के लिए लटकाया था। इस रस्सी का दामन छोड़कर आपको दुनिया में कहीं और नसीब नहीं हो सकता।
बस मजबूती से इस कड़े पर हाथ डालें और तमाम दुनिया को भी जो अमन की मुतलाशी है इसी कड़े पर हाथ डालने के लिए दावतें दें। फिर एक और अजीब बात यह है कि जहाद के दावे भी किए जाते हैं और ऐलान भी किए जाते हैं और साथ ही मुल्ला के उन तीन उसूलों को तस्लीम भी नहीं किया जाता। ये सियासतदान का दूसरा जुर्म है, जानते बूझते हुए कि इस्लाम का निजाम अदल इस किस्म की लड़ाइयों की तलकीन नहीं करता। जिस किस्म की लड़ाइयों को मुल्ला जहाद करार देता है, जब भी कोई मुल्की खतरा दरपेश हो और सियासी जंग सामने हो तो खुद मुल्ला से कहकर और उसके हम आवाज होकर अवाम को जहाद के नाम पर बुलाने लगते हैं, जिसके नतीजे में दुनिया मजीद इन कौमों से मुतनफिर होती है और दिल में यकीन कर लेती है कि इनके सियासतदान जाहरी तौर पर तो यही कहते हैं कि इस्लाम के जहाद का हरगिज ये मतलब नहीं कि तलवार के जोर से नजरियात को फैलाओ या हर लड़ाई में खुदा का नाम इस्तेमाल करो, मगर जब जरूरत पड़ती है तो हमेशा इसी तसव्वुर का सहारा लेते हैं। बार बार हर जगह ऐसे होता है और होता चला आया है। मैंने जहां तक इस्लामी तारीख का मुताला किया है, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस दौर के बाद अगर इस्लामी लड़ाइयों मुसलमान मुल्कों की लड़ाइयों पर नजर डालें तो आप हैरान होंगे कि तमाम लड़ाइयां जहाद मुकद्दस थी। एक भी लड़ाई मुसलमानों ने नहीं लड़ी, खा वो गैरों के साथ लड़ी हो या अपनों के साथ लड़ी हो, खा वो सुन्नी सुन्नी के दरमियान हो या शिया शिया के दरमियान हो या शिया सुन्नी के दरमियान हो, जो उस वक्त के उलमा और उस वक्त के सियासतदानों की रूस के नजरियों के मुताबिक जहाद मुकद्दस न हो। अजीब बात है कि मुसलमानों को जहाद के सिवा कोई लड़ाई नहीं पेश आती। सारी दुनिया की कौमें सियासी लड़ाइयां लड़ती हैं, उनको हर किस्म की लड़ाइयों के सामने करने पड़ते हैं और मुसलमानों के लिए सिर्फ जहाद ही रह गया। और इस जहाद की तारीख में भारी हिस्सा मुसलमानों का आपस में एक दूसरे से लड़ने का है और एक दूसरे को जहाद के नाम पर कत्ल वारत किया गया है। ये तमस्खर तो अलमिये की शक्ल इख्तियार कर गया, एक दर्दनाक अलमिये की शक्ल इख्तियार कर गया। अब इस अलमिये को खत्म होना चाहिए। दुनिया की नजर से देखें तो इस जमाने का सबसे बड़ा तमस्खुर यह नजरिया है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसे इस्लाम की तरफ मंसूब किया जा रहा है। और अगर अंदरूनी मुसलमान के दिल की नजर से देखें तो एक इंतहाई दर्दनाक और हौलनाक अलमिया है जो 1300 साल से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। इसलिए अगर अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो अपने ख्यालात और अपने रुझानात और अपने अमाल में पाक तब्दीलियां पैदा करें। जब तक मुसलमानों की सोच में इनकलाब बर्पा नहीं होता उस वक्त तक वो दुनिया में कोई इनकलाब बर्पा करने के अहल नहीं हो सकते। और फिर जुल्म पर जुल्म ये कि इस जहाद के नजरिए पर यकीन रखते हुए जहाद की तैयारी कोई नहीं। कुरान करीम ने तो ये तालीम दी थी, वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिम व मिन रिबातिल खैल तुरहबून बिही अदुवल्लाह व अदुवकुम व आखरीन मिन दूनहिम ला तालमूनहुम अल्लाहु यालमुहुम। ए मुसलमानों, अपनी खुद हिफाजती के लिए तैयार रहो और खूब तैयारी करो हर ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो तुम पर किसी वक्त भी हमलावर हो सकता है। हर किस्म के मैदान में अपने सवारों के जरिए और पैदलों के जरिए उनसे मुकाबले के लिए ऐसे तैयार रहो कि उन पर दूर दूर तक तुम्हारा रोब पड़ जाए और किसी को जरूरत ना हो कि ऐसी तैयार कौम के ऊपर हमले का तसव्वुर कर सके। वो सिर्फ तुम्हारे ही दुश्मन नहीं बल्कि अल्लाह के दुश्मन पहले हैं। अदुवुल्लाह व अदुवकुम, बस तुम तो अपने दुश्मनों से गाफिल रह सकते हो लेकिन खुदा अपने दुश्मनों से गाफिल नहीं रहा करता। ला तालमूनहुम अल्लाह यालमहुम,
ऐसी हाल में भी कि जब तुम उनसे बेखबर हो गए, खुदा उनको जानता होगा। बस अगर तुम तैयारी का फैसला तो तैयारी का हुक्म तस्लीम कर लो और दिलो जान से इस पर अमल करो तो खुदा तुम्हें खुशखबरी देता है कि तुम्हारी गफलत की हालत में भी पर्दापोशी से काम लेगा और तुम्हें दुश्मन के हमलों से महफूज रखेगा। यह है इस्लामी जहाद के को तस्लीम करने के बाद, उस पर अमल के फैसला करने के बाद मुसलमानों की जिम्मेदारियां जो कुरान करीम ने बयान फरमाई है, इन पर कहां अमल हो रहा है। हालत यह है कि जितने मुसलमान ममालिक हैं ये असलाह में साजी में हर उस मुल्क के मोहताज हैं जिनके खिलाफ मुसलमान जहाद का ऐलान करते हैं। जिन मगरबी या मशरकी कौमों को मुशरिक और खुदा से दूर और खुदा के दुश्मन और बुतपरस्त और जालिम और सफाक बनाकर पेश किया जाता है और ये हुक्म सुनाया जाता है कि इनसे लड़ने का तुम्हें हुक्म दिया गया है, रॉकेट मांगने के लिए भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाए जाते हैं और समुद्री और हवाई जंगी जहाज मांगने के लिए भी उनकी तरफ देखा जाता है, तोपें भी उनसे मांगी जाती हैं, हर किस्म के रॉकेट और दूसरा असला भी उनसे तलब किया जाता है। सादगी की हद है, कहते हैं इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। लेकिन ये सादगी फिर भी करीने कयास है, समझ में आ जाती है, भोलापन है। मगर तुम्हारी सादगी जहालत की इंतहा है कि जिनको दुश्मन करार देते हो, जिनको ललकारते हो और कहते हो हमारे मजहब की तलखीन है कि हम तुम्हारे खून का आखिरी खतरा चूस जाए, उनसे मुखातब होकर कहते हो कि हम निहत्ते हैं, हमें हथियार तो दो कि तुम्हारी गर्दनें उड़ाएं, इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है। बस अब एक कौम की कौम ने अपने मफादात की खुदकुशी का फैसला कर लिया तो कौन है जो उनकी मदद को आएगा और कैसे कोई उनकी मदद कर सकेगा। ऐसी कौमों की तो फिर खुदा भी मदद नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाता इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, हरगिज खुदा ताला किसी कौम की इमदाद का फैसला नहीं करता, किसी कौम की इमदाद को नहीं आता, उसकी उसके अंदर तब्दीलियां पैदा नहीं करता। हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, इसके दोनों माने हैं, यहां तक कि वो अपने आप को तब्दील कर लें। एक और आयत में इस तो ये मफहूम बयान किया गया है कि वो कौमें जो अपनी नेमतों को खुद अपने हाथ से जाया ना कर लें, जाया करने का फैसला ना करें, अल्लाह ताला उनकी नेमतों को तब्दील नहीं किया करता। इस आयत को खुला छोड़ा गया है जिसका मतलब है दोनों मानी हो सकते हैं कि वो कौमें जो अपनी नेमतों को तब्दील करने में जो खुदा ने उनको अता की थी पहल ना करें, अल्लाह ताला भी उनकी नेमतों की हिफाजत फरमाएगा। और दूसरा इसका मतलब यह है कि वो कौमें जो खुद अपनी तकदीर बनाने में कोशिश न करें और अपने हालात को तब्दील करने की कोशिश न करें, अल्लाह ताला कभी उनको तब्दील नहीं करेगा। बस आलम इस्लाम को मेरा मशवरा यही है कि पहले इस्लाम की तरफ लौटो और इस्लाम के दायमी और आलमी असूलों की तरफ लौटो, फिर तुम देखोगे कि खुदा की बरकतें किस तरह तुम पर हर तरफ से नाजिल होती हैं। दूसरा अहम मशवरा यह है कि उलूम फनून की तरफ तवज्जो करो। नाराबाजियों में कितनी सदियां तुमने गुजार दी, तुम नारे लगाकर और शेर व शायरी की दुनिया में ममोलों को शाबाजों से लड़ाते रहे और हमेशा शाबाज तुम पर झपटते रहे और कुछ भी अपना ना बना सके। दूसरी कौमें उलूम और फनून में तरक्की करती रहीं और गैर मामूली साइंस और टेक्नोलॉजी के में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तुम पर हर पहलू से फतेयाब होती रहीं और तुम पर हर पहलू से फजीलत ले जाती रहीं। अब उनसे मुकाबले की सोच रहे हो और वो आजमूदा हथियार जो उनके हाथ में तुम्हारे खिलाफ कारगर हैं उनको अपनाने की कोई कोशिश नहीं। बस बहुत ही बड़ी अहमियत की बात यह है
कि उलूम व फनून की तरफ तवज्जो दो और मुसलमान तालिब इल्मों के जज्बात से खेलकर उनको गलियों में लड़ाकर गालियां दिलवाकर उनकी अखलाकी तबाही और क्योंकि समान न करो और उनकी इल्मी तबाही के समान न करो और फिर पुलिस के जरिए उन्हें डंडे पड़वाकर या गोलियां चलाकर उन्होंने उनकी जिस्मानी तबाही के समान न करो और उनकी इज्जतों की तबाही के समान न करो। अब तक तो तुम यही खेल खेल रहे हो, मुसलमान नस्लों को जोश दिलाते हो और फिर वो बेचारे गलियों में निकलते हैं इस्लाम की मोहब्बत के नाम पर, फिर उनको रुसवा और जलील किया जाता है, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं और उनको कुछ पता नहीं कि हमसे ये क्यों हो रहा है। इसलिए जज्बात से खेलने की बजाय उनको हौसला दो, उनको सलीका दो, उनको तहम्मुल की तालीम दो, उनको बताओ कि अगर तुम दुनिया की कौमों में अपना कोई मुकाम बनाना चाहते हो तो इल्म और फजल की दुनिया में मुकाम बनाओ और उसके बगैर तुम्हें दुनिया में तुम्हारा वाजिब काबिल इज्जत मुकाम अता नहीं हो सकता। इक्तसादी इस्तेहकाम का यह हाल है कि सवाए चंद तेल के मुल्कों के जिनको तेल की गैर मामूली दौलत हासिल है, तमाम मुसलमान ममालिक और तमाम तीसरी दुनिया के ममालिक उन अमीर मुल्कों के सामने दस्ते तलब दराज किए बैठे हैं जिनकी ज्यादतियों के शिक्र किए जाते हैं, जिनकी गुलामी के खिलाफ अपने अवाम को नफरत की तालीम दी जाती है और बताया जाता है कि उन्होंने हमें आके गुलाम बना लिया और ऐसी कौमें हैं कि इनसे हमें बिल आखिर इंतकाम लेना है, बस वहां भी तजादात पैदा कर दिए जाते हैं। अंग्रेज का नाम खुद सऊदी अरब में लो या कुवैत में लो तो जो अंग्रेज की हमायत में बोलेगा वो वाजिब कतल समझा जाएगा। अमरीका का नाम लेना गाली है लेकिन सारी की सारी कौम अमरीकनों और अंग्रेजों के हाथ पे बिजी हुई और उनकी बैत कर चुकी है और किसी को कोई होश नहीं। बस जो गरीब ममालिक हैं वो भकारी बना दिए गए हैं, जो अमीर ममालिक हैं वो अपनी बका के लिए दूसरे पर इन्हिसार, अपने मुखालफों पर इन्हिसार पर मजबूर हो चुके हैं। बस कैसी मुफलिसी का आलम है कि अमीर हो या गरीब हो वो भकारी के तौर पर इस दुनिया में जिंदा रह सकता है और इज्जत और आजादी के साथ सांस नहीं ले सकता। पर सबसे बड़ा खतरा आलम इस्लाम को और तीसरी दुनिया को उनकी नफ्सियाती जिल्लतों से है। वो क्यों नहीं समझते कि भकारी कभी आजाद नहीं हो सकता? अगर तुमने अपने लिए भकारी की जिंदगी कबूल कर ली है तो हमेशा जलील और रुसवा रहोगे। गैर कौमों के मुतल्लिक तो ये कह सकते हो कि उनको इसके खिलाफ कोई तालीम नहीं दी गई थी, पर तुम क़यामत के दिन खुदा और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे? क्या कुरान की ये आयत तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देगी कि कुन तुम खैर उम्मत उखरजत लिन्नास? ऐ मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों, तो दुनिया की बेहतरीन उम्मत है जो दुनिया पर एहसान करने के लिए निकाली गई। और क्या मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह नसीहत तुम्हारे खिलाफ गवाह बनकर नहीं खड़ी होगी कि अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला, ऊपर का हाथ अता करने वाला हाथ हमेशा नीचे के यानी भीख मांगने वाले हाथ से बेहतर होता है? पर अपनी खूबियां तो तुमने खुद गैरों के सपुर्द कर दी, मंगते भकारी बन गए और फखर से अपनी कौम के सामने तुम्हारे सियासतदान ये ऐलान करते हैं कि अमेरिका ने इतनी भीख मंजूर कर ली है और अमेरिका ने जो भीख नहीं दी थी वो सऊदी अरब ने मंजूर कर ली। अगर तुम्हारी रगों में भका भीख का खून दौड़ रहा है तो किस तरह कौमों के सामने सर उठाकर चलोगे? शेरों की दुनिया में बसने की आदत पड़ी हुई है। इकबाल की परस्तिश की जाती है जो ये कहता है, ऐ तायरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। टेलीविजन और रेडियो पे मुगनियां ये लहक लहक कर ये कलाम दुनिया को सुनाती है।
और मुसलमान सर ढूंढता है। हां हां, उस रिस्क से मौत अच्छी, लेकिन हर मौत से इनके लिए वो रिस्क अच्छा है जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ देता है। कोई कुर्बानी की मौत अपने लिए कबूल नहीं कर सकते। परवाज में कोताही की बातें तो दूर की बातें रह गई। अब तो हर तहे दाम दाने पर लपकने का नाम परवाज की बुलंदी करार दिया जाता है। इस सियासतदान से बढ़कर और कौन अच्छा सियासतदान होगा जो कशकोल हाथ में लेकर अमेरिका की तरफ गया और वहां से भी मांग लाया, और चीन की तरफ गया और वहां से भी मांग लाया, और रूस की तरफ गया और वहां से भी मांग लाया। ये आला सियासत की कसौटी है। आला सियासत को परखने के मैयार हैं कि दीनी सियासत तो नहीं, ये इस्लामी सियासत तो नहीं, ये इंसानी सियासत भी नहीं, ये बेगैरती की सियासत है। और वाकईतन इकबाल ने सच कहा है कि इस रिस्क से मौत अच्छी है, जिस रिस्क से तुम्हारे हाथ और पांव बांधे जाते हैं, तुम खुद भी जलील और रुस्वा हुए, और जिन कौमों ने तुम्हें अपना सरदार चुना उन सब कौमों से तुमने बेवफाई की, अपने आवाम से बेवफाई की, उनको बड़ी ताकतों का गुलाम बनाने के तुम जिम्मेदार हो। ऐ मुसलमान सियासतदान हो, ऐ लीडर हो, होश करो और तौबा करो, वरना कल तारीख की अदालतों में तुम मुजरिम के कटहरों में पेश किए जाओगे। लेकिन उससे बहुत बढ़कर खुदा और मोहम्मद मुस्तफा की अदालत में क़यामत के दिन तुम मुजरिमों के कटहरों में खड़े किए जाओगे। ठंडा है तो बहुत बड़ा नुकसान इसका यह है कि जिन कौमों को मांगने की आदत पड़ जाए वो इक्तिसादी लिहाज से अपनी हालत बेहतर बना ही नहीं सकती। जो एक फर्द की नफसियात होती है वही कौमों की नफसियात भी हुआ करती है। आप वो देख, आप खुद देख लें अपने गिर्दोपेश, जिन लोगों को मांगने की आदत हो और तन आसानी और तनावों की आदत हो वो हमेशा मांगते ही दिखाई देंगे। तभी आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने वालों को कयामत के दिन इस हाल में देखा कि चमड़ियां हड्डियों से चिपकी हुई थी और गोश्त नहीं था, जिसका मतलब यह है कि मांग कर तुम अपने घर भर नहीं सकते, मंगता खाली हाथ ही रहता है, और उसे अपनी इक्तसादियात को बनाने का अजम ही अता नहीं होता, वो हिम्मत ही अता नहीं होती। बस जब तक अपने पांव पर खड़े होने का कौमें फैसला नहीं करती, इक्तिसादी लिहाज से वो ना तरक्की कर सकती हैं ना किसी किस्म का इस्तेहकाम उनको नसीब हो सकता है। बस सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मशरकी दुनिया के और अफ्रीका के और दीगर साउथ अमरीका के ममालिक से मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि अब जो कुछ आप देख चुके हैं उसके नतीजे में खुदा के लिए होश करें और अपनी तकदीर बदलने का खुद फैसला करें। बहुत लंबा जमाना हो गया जिल्लतों और रुसवाइयों का, खुदा के लिए इस भयानक ख्वाब से बाहर आए जो आपके दुश्मनों और बड़ी ताकतों के लिए तो निजामे नौ का एक अजीब तसव्वुर है, मगर तीसरी दुनिया के गरीब ममालिक के लिए इससे ज्यादा भयानक ख्वाब हो नहीं सकती। बस अगर आपने निजामे नौ बनाना है, अगर जहाने नौ तामीर करना है तो अपनी खादें खुद बनानी शुरू करें और खुद उनकी ताबीरें करें और खुद उन ताबीरों को अमल की दुनिया में ढालने के सलीके सीखें। कोई कौम दुनिया में इक्तसादी तरक्की के बगैर आजाद नहीं हो सकती, और इक्तसादी तरक्की का पहला कदम खुद ही की हिफाजत में है और इज्जत नफ्स की हिफाजत में है, और ये हरगिज मुमकिन नहीं जब तक तीसरी दुनिया के ममालिक में सादा जिंदगी की तलखीन ना की जाए और सादा जिंदगी की रौ ना चलाई जाए। मुश्किल ये है कि वहां ऊंचे और नीचे तबके के दरमियान तफरीक बढ़ती जा रही है, जबकि जिन मुल्कों को आप सरमायादार ममालिक कहते हैं उनमें वो तफरीक कम होती जा रही है,
और तर्ज जिंदगी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन आप एशिया के गरीब ममालिक देखिए, या अफ्रीका के गरीब ममालिक देखिए, या साउथ अमेरिका के गरीब ममालिक देखिए, वहां दिन ब दिन निचले तबके के ऊपर के तबके के बूदोबाश की तर्ज में फासले बढ़ते जा रहे हैं और खलीज ज्यादा से ज्यादा बड़ी होकर हायल होती चली जा रही है। बस जरूरी है कि ये तबकाती तकसीम सबसे पहले नसीहत और तलकीन के जरिए दूर की जाए और फिर कवानीन के जरिए इन फासलों को कम करने की कोशिश की जाए। और ये तहरीक अगर ऊपर से शुरू होगी तो कामयाब होगी, वरना हरगिज कामयाब नहीं हो सकती। अरबाब हल्लोक यानी जिनके हाथ में इख्तदार की बागें हैं, उनको चाहिए कि वो ऊपर से सादा जिंदगी इख्तियार करने की तहरीक चलाएं और सादा जिंदगी इख्तियार करके अवाम को दिखाएं। बस इक्तसादी इस्तेकाम और तरक्की के सिलसिले में ये दूसरा अहम उसूल पेश नजर रहना चाहिए कि गरीब मुल्कों में एक पॉलिसी नहीं चलाई जा सकती कि मेयार जिंदगी को बढ़ाया जाए, बल्कि दो पॉलिसियां चलानी पड़ेंगी। गुरबा के मेयार जिंदगी को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा दौलत का रुख इस तरफ मोड़ा जाए, और उमरा के मेयार जिंदगी को कम किया जाए। याद रखें, ये नुक्ता एक बहुत ही गहरा नुक्ता है कि दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम से हरगिज इतने नुकसान नहीं पहुंचते जितने दौलत के गैर मुनसिफाना खर्च से पहुंचते। वो अमीर लोग जो अपने रुपए को फैक्ट्रियां बनाने और तरक्की इक्तिसादी तरक्की के लिए हमेशा जोते रखते हैं और खुद सादा जिंदगी इख्तियार करते हैं, उनके खिलाफ नफरत की तहरीकें नहीं चल सकती, क्योंकि वो अमलन मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो थोड़ा कमाकर भी ज्यादा खर्च करने के आदी हो जाए, उनका सारा अखलाकी निजाम ही तबाह हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा दिलों में वो आग भड़काने का मुझे बनते हैं। बस अगर कारखानादार तो कम हैं और बड़े अमीर ताजिर भी कम हैं, लेकिन भारी अक्सरियत ऐसे तनाव पसंद मुल्कों की उन अफसरों पर मुश्तमिल होती है जो रिश्वत लेते हैं और रिश्वत को आम करते हैं, और उन सियासतदानों पर मुश्तमिल होती है जिनकी सियासत भी इस तरह खाई जाती है जिस तरह किसी चीज को कीड़ा खा जाता है। उनकी सियासत भी पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल होने लगती है, उनकी सियासत भी धड़ेबंदियों के लिए इस्तेमाल होने लगती है, उनकी सियासत भी गरीबों पर रोब जमाने के लिए और अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल होने लगती है। गोया सियासत का रुख तमाम तर उन उमूर की तरफ फिर जाता है जिनके लिए सियासत बनाई नहीं गई थी। नतीजतन मुल्क के अहम उमूर से वो गाफिल हो जाते हैं, उनके लिए सोच का वक्त ही नहीं रहता, उनकी सोचें की राहें तमाम तर मुसलसल एक ही तरफ बहती रहती हैं कि किस तरह अपना नफूज कायम करें, किस तरह अपने दुश्मनों से बदले लें, किस तरह दौलत ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी करें। ये चंद दिन की तो जिंदगी है सियासत की, कल पता नहीं क्या होने वाला है। जो कुछ कमाना है आज कमा लो, खा इज्जतें बेच दो, खा वो वोट बेचो, खा वोट खरीदो, हर चीज जायज करार दे दी जाए जब सियासत में, तो जो सियासतदान पैदा होंगे वो कौम के मफाद की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। और इस सारे रुझान में सबसे जालिमाना किरदार मसनूई मेयार जिंदगी अदा करता है। जिन कौमों में अपनी इक्तसादी तौफीक से बढ़कर अयाशी के रुझान पैदा हो जाएं, वो कौमें भकारी भी बन जाती हैं, उनकी सियासत भी दावदार हो जाती है, उनकी इक्तसादियात भी पारा पारा हो जाती है, उनका कुछ भी बाकी नहीं रहता। बस ये नसीहतें किन पर अमल करेंगी, कौन से कान होंगे जो इन नसीहतों को सुनेंगे, कौन से दिल होंगे जो इन नसीहतों को सुनकर हिजान पजीर होंगे और उनमें हरकत पैदा होगी। अगर तमाम तर सियासत और अखलाक और इक्तसादियात की बुनियाद ही मुतजलजल हो, अगर नजरियात बिगड़े हुए हैं, अगर नीयतें गंदी हो चुकी हों, तो दुनिया में कोई सही नसीहत किसी पर अमल नहीं कर सकते, किसी नेक अमल नहीं दिखा सकते।
इसलिए जिस तरह मैंने गैर कौमों को नसीहत की है कि खुदा के लिए अपनी नीयतों की हिफाजत करो, तुम्हारी नीयतों में शैतान और भेड़िए शामिल हैं और दुनिया की हलाकत का फैसला तुम्हारी नीयतें करती हैं, तुम्हारी सियासी चलाकियां तुम्हारी नीयतों पर गालिब नहीं आ सकती बल्कि उनकी मुमेद हो जाया करती। इसी तरह मैं मुसलमान मुल्कों और तीसरी दुनिया के मुल्कों को नसीहत करता हूं कि खुदा के लिए अपनी नीयतों को टटोलो। अगर तुम इसलिए इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हो बचपन से कि रिश्वत लेने के बड़े मौके हाथ आएंगे और बड़ी बड़ी कोठियां बनाओगे और वैसे महल तामीर करोगे जैसे हमसाये या किसी और के घर तुमने देखे थे, तो इस नीयत के साथ तुम दुनिया में कुछ भी तामीर नहीं कर सकते। अगर इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा रुपया इकट्ठा करके अपने लिए सोने के अंबार बनाओगे और बड़े बड़े अजीमशान अस्पताल तामीर करोगे और ज्यादा से ज्यादा रुपया खींचते चले जाओगे और अपनी औलाद के लिए दौलतों के खजाने पीछे छोड़ जाओगे, तो फिर तुम खुद बीमार हो। फिजिशियन हील दाई सेल्फ, ऐसे डॉक्टर बनने से बेहतर है कि तुम खुद मर जाओ, क्योंकि जो कौम की फलाह और बहबूद के लिए इल्म तिब नहीं सीखता उसके इल्म तिब में कोई बरकत नहीं होती। बस अगर सियासतदान बनने के वक्त तुमने ये ख्वाबें देखी थी, उससे पहले ये ख्वाबें देखी थी कि जिस तरह फ्रांस सियासतदान ने इख्तदार हासिल किया, इससे पहले दो कौड़ी का चपरासी या थानेदार था या कुछ और महकमे का अफसर था, इस्तीफे दिए और सियासत में आया और फिर इस तरह करोड़पति बन गया और इतनी अजमत और जबरूत हासिल की, आओ हम भी उसके नमूने पर चले, आओ हम भी सियासत के जरिए वो सब कुछ हासिल करें। तो फिर तुमने सियासत की हलाकत का उसी दिन फैसला कर लिया। और तुम अगर किसी कौम के रहनुमा हुए तो तुम पर यह मिसाल सादिक आएगी कि वैजा कानल गुराब हादा कौमिन सयादी हिम तरीक अल हालिकीना, कि देखो जब कभी भी कव्वे कौम की सरदारी किया करते हैं तो उनको हलाकत के रस्तों की तरफ ले जाते हैं। बस नीयतों की इसलाह करो और ये फैसले करो कि जो कुछ गुजर चुका गुजर चुका, आइंदा से तुम कौम की सरदारी के हकूक अदा करोगे। सरदारी के हकूक उस तरह अदा करो जिस तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम आलम की सरदारी के हक अदा किए थे। वही एक रास्ता है सरदारी के हक अदा करने का, उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। हजरत उमर जब बिस्तर अलालत पर आखिरी घड़ियों तक पहुंचे और करीब था कि दम तोड़ दें, तो बड़ी बेचैनी और बेकरारी से ये दुआ कर रहे थे कि ऐ खुदा मेरी अगर कुछ नेकियां हैं तो बेशक उनको छोड़ दे, मैं उनके बदले कोई अजर तलब नहीं करता, मगर मेरी गलतियों पे पुरसिश न फरमाना, मुझ में यह ताकत नहीं कि मैं अपनी गलतियों का हिसाब दे सकूं। ये वो रूह है जो इस्लामी सियासत की रूह है। इस रूह की आज मुसलमानों को भी जरूरत है और गैर मुसलमानों को भी जरूरत है। आज के तमाम मसाइल का हल यह है कि सियासत की इस रूह को जिंदा कर दो, मरती हुई मरती हुई इंसानियत जिंदा हो जाए। यह रूह जिंदा रही तो जंगों पर मौत आ जाएगी, लेकिन अगर यह रूह मरने दी गई तो फिर जंगें जिंदा हो गई और दुनिया की कोई ताकत जंगों को मौत के घाट उतार नहीं सकती। मेरी कोशिश तो यही थी कि तमाम मजमून आज ही खत्म कर दूं, लेकिन चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और अभी बहुत से ऐसे मशवरे बाकी हैं जिनको मुख्तसर भी बयान किया जाए तो वक्त लेंगे, इसलिए मैं इसी पर इख्तफा करता हूं और इंशाल्लाह ताला आइंदा खुतबे में मैं खुदा ताला से भारी उम्मीद रखता हूं कि ये सिलसिला खत्म होगा और फिर हम वापस जहाद अकबर की तरफ लौटेंगे, यानी जिक्र इलाही के मुतालिक बातें करेंगे, दीन के आला मफाहीम को समझने की कोशिश करेंगे और दीन की मार्फत की गहराइयों तक गौता जनी की कोशिश करेंगे, ताकि रमजान में खूब दिल और नफूस को पाक करके इखलास के साथ दाखिल हों और ज्यादा से ज्यादा रमजान की बरकतों से अपनी झोलियां भर सकें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊदु बिल्लाह मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाह फला मुदिल्ल लहु व मन युदलिलहु फला हादिया लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ